हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हेलो जी नमस्कार सलाम विश यू ऑल अ वेरी वेलकम टू दिस वंडरफुल चैनल आकाश नीट चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत है और आज बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मिलन होने वाला है क्या कहेंगे अनूप सर इसे हम कहते हैं बायो केमिस्ट्री आज हम बायोमोलिक्स चैप्टर लेके चल रहे हैं जो कि हमारे पास केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में है तो इसलिए हम दोनों आपके साथ हैं जिससे कि यू गेट द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड और इसे हम कह सकते हैं डबल धमाल तो डबल धमाल के धमाल बिल्कुल डबल धमाल के लिए आप सब तैयार हैं और बेटा बिल्कुल सर देखते हैं कितनी कितनी एक्साइटमेंट है एक बार चैट बॉक्स में देखिए आप जरा हमारे साथ आयमान फातिमा हैं सुम्बल है, है मोहम्मद परवेज हैं वैष्णवी वंडरफुल जी तो अनूप सर मैं मैं बायोमोलिक्स पढ़ा चुका हूं आकाश भाई बाईजूस नीट यूट्यूब चैनल पर क्या आप केमिस्ट्री पोर्शन में कवर कर चुके हैं जी बिल्कुल हम बायोमोलिकल्स केमिस्ट्री पोर्शन में भी कवर कर चुके हैं और यहाँ पर स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या अगर हमने केमिस्ट्री का बायोमालिकल्स नहीं पढ़ा है तो क्या हम ये पढ़ सकते हैं बेटा इसीलिए तो ये सेशन हो रहा है कि आपने ढंग से नहीं पढ़ा अगर आपने सब कुछ ढंग से पढ़ा होता तो

लेट अस सी अनूप सर मुझे पूरी केमिस्ट्री पढ़ा देंगे बड़ा मजा आने वाला है सर मैं तो आज सवाल पूछने वाला हूं बच्चों से बिल्कुल इतने इंट्रिकेट से और देखते हैं कि उन्होंने केमिस्ट्री वाले YouTube वीडियोस में कितने अच्छे से बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है और बेटा मैं आप सब को एक बात कहना चाहूंगा जितने भी हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं आप इस सेशन का लिंक अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि जेई की, की तैयारी कर रहे हैं आप सर आई फील कि ये इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में भी ये कॉमन यूनिट होगा केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल बिल्कुल ऐसा और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है क्योंकि खास तौर से जो इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चैप्टर काफी मुश्किल हो जाता है और साथ ही साथ अभी जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने वाले ट्वेंटी एट को केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है सिक्सटीन को बायोलॉजी का पेपर होने वाला है और दोनों के अंदर ये वाला चैप्टर है तो दिस चैप्टर नॉट नॉट ओनली ओनली दिस सेशन विल बेनिफिट द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट इट इज गोइंग टू बेनिफिट द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एग्जाम दे इट इज गोइंग टू बेनिफिट द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स तो और दूसरे स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल सेशन होने वाला है ठीक है ग्रेट एक बार अपने प्यारे प्यारे लाइक्स जो है वो आप हमें दिखा दीजिए स्क्रीन पे आपके लाइक्स हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं आज जितने लाइक्स आएंगे ना वो मैंने और अनूप सर ने आधे आधे बांट लेने देख लो तो इसलिए सौ लाइक्स तो मुझे अलग से चाहिए ही चाहिए तो आपको अनूप सर के लिए भी हंड्रेड लाइक्स अलग से करने हैं सो so, जल्दी से सेशन का आगाज करते हैं अनूप सर स्लाइड्स का कंट्रोल आपके हाथ में है तो फिर जरा हम स्पीड दबाते हैं फटाफट चलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ऑन दीज सेशंस और यहां पे सारे के सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं ओके okay, तो लेट्स इट चलिए बिल्कुल बिल्कुल सर ग्रेट जी आप में से मेजोरिटी स्टूडेंट्स मुझे ऑलरेडी जानते हैं जो नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं फड़ मैं फटाफट बता दूं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद मोर देन थ्री इयर्स एक्सपीरियंस और बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स मुझसे पढ़ के आज अपने जीवन में एक बेहतरीन मुकाम पर अगला नंबर आपका सचिन के बराबर ही है करीब करीब और uh... बहुत सारे जैसे कि सचिन सर के और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमन है फर्स्ट रैंक्स इन मेजर एग्जाम्स और हां सचिन सर के कंपैरिजन में एक बेनिफिट और ले सकता हूं कि आई कैन इवन से कि इवन द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द बेस्ट रैंक इन हैविंग आई आई टीज है सर हमारा कंपेरिजन केमिस्ट्री के एनसीईआरटी का और बायोलॉजी की एनसीईआरटी का केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में हम और बायोमोलिक्स की बात करते, है, की, uses, proteins, करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एसिड और को ऑन द बेसिस ऑफ एंड एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए और डिस्क्राइब रोल ऑफ बायोमोलिकल्स इन बायोसिस्टम्स ये है केमिस्ट्री का पार्ट राइट सर यह बारहवीं की एनसीईआरटी का आपने लिया है यहाँ पे केमिस्ट्री का जो है बायोलॉजी ये केमिस्ट्री की बार्वी. बार्वी क्लास की है। राइट राइट बेटा अगर आप लोगों के पास सभी बारहवीं की एनसीआर की तो में ग्यारह क्लास में ये चैप्टर है बायोमोलिक्यूल का आगे बढ़ते हैं अनूप सर बायो केमिस्ट्री होती है बेटा स्टडी ऑफ बायो बायोमोलिक्यूल्स का मतलब है मॉलिक्यूल्स विच हैव इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स कॉम्पोनेट ऑफ लाइफ Uh, कई बार हम आपसे पूछते हैं डिफाइन लाइफ तो लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड इट कैन ओनली बी ही ना होती तो बायोलॉजी का कोई वजूद ही नहीं है हमारा पूरा शरीर करोड़ों अरबों खरबों सेल से बना है सेल्स की केमिकल कॉम्पोजिशन देख लीजिए प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स लिप्ड न्यूक्लिक एसिड यही है और अनुपसर अगर इनको भी आगे बांट दें आप सहमत होंगे कि अल्टीमेटली जीवन का आधार वही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर है यही चीजें। सर ये तो हम ही हैं ही कि एट है मॉलिक्युलर लेवल पे तो यही बायो अब जैसे कि यहाँ पे बायो ये माइक्रो सर आपका पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी, भी होती है और ये रहा मॉलिक्यूल्स के अंदर हम मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं बायो माइक्रोमोलिक बायो मॉलिक्यूल्स है So, बिल्कुल ये बेटा हम इन्हें इनके मोलिकुलर वेट के आधार पे क्लासिफाई कर लेते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल कह दो या सादी भाषा में मैक्रो मोलिक्यूल कह दो ये लार्ज साइज ने इनका मोलिकुलर वेट जो ज्यादा है यूनिट जो हम रखते हैं डाल्टन रखते हैं इनका जो वेट नापने के लिए अच्छा सर डाल्टन को ही इतना महत्व क्यों दिया है मुझे लगता है केमिस्ट्री की शुरुआत जब आप करते हैं ग्यारहवीं क्लास के चैप्टर से तो डाल्टन का जिक्र जरूर होता है सर बात यह है कि हम डाल्टन की बात करते हैं डाल्टन ने एक अटोमिक थ्योरी दी थी और एटोमिक मास को सिग्निफिकेंस डाल्टन

मेटाबोलाइट क्या होता है मेटाबोलाइट का मतलब है जो चीजें मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्वड हैं मुख्य रूप से दो कैटेगरी में बांटते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट अच्छा आप घबराइएगा मत पूरे सेशन का पीडीएफ जो है वो हम आपके साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करेंगे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप ऑलरेडी जानते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा

कुछ ऐसी ड्रग्स जो हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी यूज करते हैं किसी बीमारी का इलाज करने के लिए यूज कर लेते हैं मैं आपको क्लू दे रहा हूं चलिए प्लांट बेस्ड होना चाहिए ये ध्यान रखिएगा जी

DF मिलेगा जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है ना बेटा जरा लाइक का बटन दबा दीजिए राइट यहां पे जो स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं अनूप सर आपको बताएंगे कि ये है अमीनो एसिड से जैसे प्रोटीन बने तो अमीनो एसिड मोनोमर हो गया प्रोटीन पॉलीमर हो गया जी. ये यह यहां पर हमारे पास आ जाते हैं मोनो एंड पॉली देखो अगर हमारे पास की बात करते हैं तो जो मोनोमर्स हैं दे आर माइक्रोमोलिक्यूल और जितने भी पॉलीमर्स हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल बन जाते हैं तो ये हमारे पास है अच्छा पॉलीमर थोड़ा सा वर्ड वेग हो जाता है पॉलीमर्स का मतलब ये हो जाता है कि आइडेंटिकल यूनिट जुड़े हुए हैं लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड्स इनको हम एक्चुअली पॉलीमर नहीं बोल सकते क्योंकि अमीनो एसिड सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट है. है तो आइडियली दे शुड बी कॉल्ड आइडियलीक्रोमोलिक्यूल ओनली लेकिन अगर हम सीधा सीधा बोलते हैं सारे अमीनो एसिड आइडेंटिकल है तो ये पॉलीमर कहला सकते हैं तो अगर स्ट्रिक्टली आंसर देना right. है तो माय सिंसियर सजेशन वुड बी कि पॉलीमर के एग्जांपल में आप स्टार्च का एग्जांपल दे दीजिए सेलुलोज का एग्जांपल दे दीजिए प्रोटीन्स के एग्जाम्पल को थोड़ा अवॉइड कीजिए एज फार एज पॉलीमर्स आर कंसर्न आर मैक्रोमोलिक्यूल विदाउट एनी डाउट राइट सो अनुप सर मुख्य रूप से आप ये कह रहे हैं कि पॉलीमर शब्द का प्रयोग तभी करना चाहिए जब जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो सारे सिमिलर हैं कि जैसे ग्लाइसिन 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 ये सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएं इतने में बच्चों से एक सवाल पूछना चाहूंगा अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ने वाले बॉन्ड्स को क्या कहते हैं क्या वो फॉस्फोडाइस्टोर बॉन्ड्स हैं क्या वो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं क्या वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं क्या वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जल्दी से हमें चैट बॉक्स में इसका जवाब चाहिए अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ने वाले बॉन्ड्स को क्या कहते हैं

या दो अमीनो एसिड होता है बिल्कुल 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 सही कहा आपने सर इनफैक्ट आई थिंक बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है क्योंकि कई बार सवाल पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ तो आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब तो इन्हें मिलने हैं कि डायपेप्ट मतलब दो पेप्टाइड बॉन्ड या डायपेप्ट मतलब दो अमीनो एसिड बहुत से बच्चों ने सर सही जवाब दिया है मैं चाहूंगा एक अगर आप चेटबॉक्स देख पा रहे हैं हाँ तो एक बार उन बच्चों के नाम जरूर बोल दीजिए चैतालीस चैतालीस शखरकर ने बताया है हमारे पास

राइट 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 बिल्कुल सर बच्चों के लिए थोड़ी क्यूरियोसिटी बने रहने देते हैं सेशन के एंड तक आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और आपके सभी सवालों के जवाब हम देने वाले हैं अनूप सर मोटे तौर पे आप बता दीजिए कि आ, नीट की परीक्षा में इस पर्टिकुलर चैप्टर में से केमिस्ट्री में लगभग कितने सवाल होते हैं सर मैं एक बार जानता हूँ कि शायद आपने भी देखा होगा दो के नीट के एग्जामिनेशन में बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स में से टोटल मिला के ग्यारह क्वेश्चन आ गए थे ग्रेट ग्यारह गुना चार लीजिए बेटा बेटा बात सीधी सी ये है कि अगर एग्जामिनर का मूड हुआ और जैसे कि अब जैसे हम फील कर पा रहे हैं कि एग्जामिनर्स आर ट्राइंग टू मेक अ अ पेपर लिटिल हायर लेवल वो जो कोरोना टाइम का जो लैक रह गया था वो अब कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो दीज आर द चैप्टर्स जहां से वो अच्छे क्वेश्चन बना के डाल सकते हैं क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि स्टूडेंट्स जनरली इन चैप्टर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं खासतौर से और बेटा मैं आप सब लोगों को ये भी बताना चाहूंगा अनूप सर की एमबीबीएस में जब ये बच्चे जाते हैं ना एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जो इन्होंने तीन विषय मोटे तौर पे पढ़ने हैं एनेटमी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री सो सर जिन बच्चों का मैंने देखा है कि अभी से ये बेस स्ट्रांग नहीं होता जो केमिस्ट्री से डरते हैं जिनको ये खौफ रहता है कि भाई हम केमिकल रिएक्शन कैसे याद करें हमें तो ध्यान नहीं रहता पेप्टाइट बॉन्ड कैसे बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है उन बच्चों को सर आगे जाके भी बड़ी परेशानी होती है एमबीबीएस फर्स्ट

कभी कभी लेनिंगर की बात मैं भी कर सकता था कुछ कुछ मैंने भी उसमें से देखा है बट बहुत ज्यादा नहीं बचा वो ग्रेट ग्रेट तो आज आपको दोनों अध्यापकों का अनुभव मिलने वाला है बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बड़ा ही बेहतरीन मिलन हम लोग इस सेशन पे करा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि लाइक का बटन जरूर दबाते रहिएगा मैंने आपसे पहले कहा है जितने भी लाइक्स होंगे आधे अनूप सर के और आधे मेरे तो मुझे तो सौ चाहिए ही चाहिए ठीक है जी अच्छा चलिए कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत करते हैं एंड uh, कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहते ही क्यों हैं दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन रेशो याद रखिएगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वन इज टू 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 वन और जर्नल फॉर्मूला जो है सी एन एच टू एन ओ एन अनूप सर यहां पे चाहेंगे कि आप बता दीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स को एल्डोसिस और किटोसिस यह किस आधार पर बांटा जाए यहां पर है? एक इंपॉर्टेंट बात है सर सी एन एच टू ओ एन का जो ये फॉर्मूला है ये मोनोसैक्राइड के लिए वैलिड हो जाता है राइट right. अगर हम पॉलीसैक्ट्राइट्स की बात करते हैं तो सी एन एच टू ओ एन माइनस एम हो जाता है और एम बिकम्स द नंबर ऑफ लिंक्स तो वहां तो कर लीजिएगा मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मूला है ये पॉलीसैक्राइडस का फॉर्मूला नहीं है और एक बात का और ध्यान रखना कि फिर वही ये बात आ जाती है कि इन फॉर्मूले में भी कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है जैसे कि अगर हम बात करते हैं डी ऑक्सीराइबोज की तो वहां पे हाइड्रोजन का नंबर चेंज वो ऑक्सीजन का नंबर थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो प्लीज रिमेंबर ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वैलिड है कुछ डी ऑक्सी कार्बोहाइड्रेट के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता और साथ ही साथ हमारे पास आ जाता है आई वुड सजेस्ट सी एन एच टू ओ हम इस फॉर्मूले को एन की जगह यहां पर एम लिख दे और एन माइनस एम प्लस वन इज द नंबर ऑफ सैक्राइड यूनिट मतलब कि कितने यूनिट हमारे पास है सैक्राइड के वो इस फॉर्मूले से वर्कआउट किया जा सकता है तो दिस इज द कैन बी वैलिड ओनली फॉर फॉर्मूलाइड क्योंकि यहां पे वुड वुड बी बी इक्वल टू तो ये आ जाएगा दैट और यहां पर जब हम इन पॉलिस इन सेक्राइड की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट uh, का एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये हो सकता है जनरल डेफिनेशन ये हो सकता है कि दीज आर कायरल कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यानी फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है एल्डिहाइड अगर हुआ तो हम उसको एल्डोजिस बोलते हैं कीटोन अगर हुआ तो कीटोजिस बोलते हैं एल्डोजिस का सबसे फेमस एग्जाम्पल ग्लूकोज है और कीटोज का सबसे फेमस एग्जाम्पल फ्रक्टोज हो जाता है फ्रक्टोज ग्रेट सो so, बेटा आप Eldehyde और और ग्रुप के बारे में में समझ गए अभी आगे आने वाले सेशन बेहतरीन तरीके से बताएंगे कार्बोहाइड्रेट्स कार्बो को मोटे तौर पे जब हम क्लासीफाई करते हैं ना बेटा मोनोसेकराइड या हम कह देते हैं डाइसेकर बहुत सी किताबों में आप देखेंगे मोनोसेकर

नंबर ऑफ़ कार्बन के आधार पे पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस इतना आगे तक आपको नहीं याद जाना है लेकिन मुख्य इतना तो याद रख लेना एक छोटी छोटी एक एग्जांपल बता देते हैं तो आ गया एल्डिहाइड फॉर्म में हाँ, एरिथ्रोस हो सकता है थ्रियोस हो सकता है यहां पर तो ये वाला हमारे पास यहाँ पर हमारे पास फाइव कार्बन में राइबोज हो सकता है और सिक्स कार्बन में तो हमारे पास ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज तो एक कीटोज uh, है तो यहाँ पे हम ओज की right. बात करें तो ठीक है फ्रक्टोज भी हेक्सोज में तो होगा ही अदरवाइज इट इज अ कीटो हेक्सोज राइट कीटो हेक्सोस ये ध्यान रखना बेटा आपको कि कीटोनिक ग्रुप कहां है और एल्डिहाइड ग्रुप कहां है एंड याद रखिएगा सेल के न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा एबंडेंट अगर शुगर्स पूछी जाएं जो अभी हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया ट्रायोसिस टेट्रोसिस पेंटोसिस एक्सोसिस एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं शशि आशु महकदीप एंड रितेश शैलेंद्र व्हिच आर द मोस्ट एबंडेंट शुगर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल ट्रायोसिस टेट्रोसिस पेंटोसिस एक्सोसिस कम ऑन क्विकली जो सबसे पहले जवाब देगा वो सबसे प्यारा बच्चा होगा हमारे लिए सुप्रजा

ये आ, मुझे लग रहा है सर ये पेप्टाइड बॉन्ड है कितने बच्चे बताएंगे मैंने सही कहा या गलत आ, मुझे लग रहा है ये बॉन्ड है आ, या फिर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है क्विकली इंशा चैताली मनोरंजन शुभम कंवर रंजीत सर देख लीजिए बच्चे होशियार है हमारे ए, ये कौन है <laughs> पेंटोसिस बॉन्ड वाला क्या करते हो फॉल्स आपको फॉल्स बता रहे सर धर्मेंद्र यादव बिल्कुल राइट क्योंकि मैंने वो पेप्टाइड बॉन्ड बोला था ना बच्चों ने पकड़ ली वो बात प्रशांत बिल्कुल सही बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर ग्रेट लाइक्स का दबाते रहिए भैया बटन साथ साथ डाइसे को डबल शुगर भी कहते हैं क्योंकि दो मोनोसेकराइट से मिलकर के बना है कॉमन एग्जांपल आपके सामने है बेटा सुक्रोज चीनी जिसे हम कहते हैं टेबल शुगर भी कहते हैं कमर्शियल शुगर भी कहते हैं कोई मुझे बताएगा भारत में चीनी सबसे ज्यादा कहाँ होती है और पूरे वर्ल्ड में शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा चीनी आपको देखने को मिलती है खाई ज्यादा चीनी नहीं खाना भैया खाई तो भारत में जाती है ये पक्का है उगती का है पता नहीं

बिल्कुल सही सर माल्टोस भी ग्लूकोस और ग्लूकोस से मिलकर के बना है माल्टोस जर्मिनेटिंग सीड्स में है और इसके अलावा जब स्टार्च डाइजेस्ट होता है हमारी बक्कल कैविटी में तो स्टार्च को सिलिवरी माइलेज तोड़ता है ना माल्टोस आइसो माल्टोस और लिमिट तो माल्ट शुगर भी कह देते माल्टोवा पीते थे आप बचपन में अनुप सर जब हम छोटे थे तब तो आता था ना ये माल्टोवा बॉर्नविटा तो वो माल्टोवा उसमें ये माल्टोवा घर ही होती है वैसे माल्टोवा ना नाम बहुत बार भी सुना बहुत लेट बहुत बहुत दिनों के बाद पता नहीं कितने सालों के बाद माल्टोवा हाँ, नाम सुना है अब तो शायद मार्केट में भी नहीं है अब नहीं है अब बच्चों तुम लोग क्या पीते हो भैया दूध में मिलाकर के बताइए मुझे जितने बच्चों को दूध पसंद है वो क्या घोल के पीते हो तुम दूध में बॉनमिता पीते हो आप सब लोग सर आपको याद होगा बचपन में हमारे माता पिता हमें वो भी खिलाते थे मैं नाम भूल गया क्या बोलते थे हाँ, चवन प्राश एक अलग चीज थी अभी भी आता है आई थिंकलान प्राश, प्राश। और बॉनविटा पी पहले एक आता था चवनप्राश अब तो पता नहीं कितने चवनप्राश आते हैं सभी सभी अलग अलग है बाबा जी के ब्रांड का भी आता है चवनप्राश ठीक है चलिए सर के बारे में बता दीजिए बच्चों को अरे का आप ही ने तो बता दिया है कि अब देखो को मोस्ट ऑफन हम को अलग रखते हैं तीन से नौ को हम ऑलिगोसेक्राइड ले लेते हैं दस या उससे ज्यादा को पॉलीसेक्राइड में डाल देते हैं तो दैट्स वॉट वी हैव द तो अब यहाँ पे नाम दे रखा right. है राफिनोज ट्रायसेक्राइड और स्ट्राकिट्रासेड है ऐसे ही और भी होते हैं बेटा स्कोर लेकिन ये सब आपको नहीं पढ़ने बस मोटे तौर पे याद रखने कि सर ने बताया कि ओलिगो मतलब कर लेते हैं और पॉली का मतलब मैनी बहुत सारे सेक्राइड है तो हम सेक्राइड में बात करते हैं आई थिंक दैट वुड बी स्टार्च सेलुलोस एंड ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन ठीक है राइट तो हमारे पास ये है <laughs> इड्स में होमोपोलिसक्राइड्स हेट्रोपोलिस डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट जहां तक मैं जानता हूं स्टार्च सेलूलोस और ग्लाइकोजन दे वुड बी क्लासिफाइड एज इट बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने पॉलिसिक्रेट को ग्लाइकन भी बोलते हैं ना बेटा होमो पॉलिसिक्रेट को होमोग्लाइकन है ना सर हमने ये होमो और हेट्रो वर्ड किस आधार पे लगाया जैसे कि आपने पहले ही कहा था कि भाई अगर सेम तरह का यूनिट रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है अच्छा कोई मुझे बताएगा स्टार्च और सेलुलोज जो है वो किस चीज के पॉलीमर है मैं ऑप्शन दे रहा हूं स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ऑप्शन नंबर वन ग्लाइसिन ऑप्शन नंबर टू ग्लूटामीन ऑप्शन नंबर थ्री ग्लूकोज ऑप्शन नंबर फोर स्टीरिक एसिड बताइए जल्दी से शुभम आयमान वर्धा गांधी प्रथम स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ सर अब जितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं आप उनका नाम पढ़ते जाइए ना, जल्दी से बहुत तेजी से जा रहा है कैसे बताऊं निवेदा मोहम्मद परवेज साक्षी मोहम्मद अरे यार मणि सर कहा गए ये अब्दुल अहद <laughs> आयुष मणि हिमांशु मलिक एंड धर्मेंद्र यादव सब ने ही सही आंसर दिया है मैं क्या करूं आपने

स्टोरेज uh, के अंदर तो हमारे पास स्टार्च ग्लाइकोजन और इनुलिन हो गया अब देखो केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है बायोलॉजी का हो सकता है केमिस्ट्री के अंदर हम स्टार्च ग्लाइकोजन की ही बात करते हैं स्ट्रक्चरल के अंदर सलोज की बात करते हैं और केमिस्ट्री यहीं पे ओवर हो जाती है इससे आगे हम केमिस्ट्री में नहीं जाते हम काइटिन की बात करें या, या ये इनुलिन की right. बात करें दैट विल बी मोर अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी अब ये हेट्रोपोलिसक्राइड्स हाइट्रोपोलिसक्राइड केमिस्ट्री में स्टडी नहीं किए जाते इसका क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं आता है बायोलॉजी right. में सर पूछा जाता है अगार के बारे में इनसे पूछते हैं अभी आगे डिटेल में इन्हें मिल जाएगा स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन केस ऑफ प्लांट सेल्स ग्लाइकोजन इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन केस ऑफ एनिमल सेल्स हमारे शरीर में सभी ऑल द ग्रोइंग टिश्यूज कैन स्टोर एटलीस्ट समाउंट ऑफ ग्लाइक्रोजन लिवर मसल्स प्लेसेंटा ज तो, बन जाता है आप सभी जानते हैं? बताओ मुझे एनिमल किंगडम के कौन से फाइलम में काइटिन के बारे में आपने पढ़ा है कम ऑन क्विकली अनुराधा शुभम देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देगा वैभव कह रहे हैं आज का सेशन बहुत मजेदार है

इसी कारण राइट एनवायरमेंटल कंडीशन का उनके ऊपर आसानी से असर नहीं होता है आपको स्क्रीन लेने की जरूरत नहीं है बेटा हम पूरे के पूरे सेशन का पीडीएफ आपके साथ शेयर करेंगे मैं चाहूंगा कि अनूप सर यहां पे अपना टेलीग्राम आईडी भी बच्चों को लिख के बता दीजिए आप अनूप सर It से इस टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं आपको इंटरेक्ट लाइव विद अनूप सर दैट द टेलीग्राम आईडी और हाँ सर मैं एक बात जानना चाहूंगा कि वैसे तो थोड़ा सा मुझे अंदाजा है लेकिन आप बता दीजिए कि आखिरकार एनिमल्स में स्टोरेज के लिए ग्लाइकोजन क्यों यूज होता है स्टार्च क्यों नहीं राइट बेटा आप लोगों को यह बात हमने पढ़ाई हुई है आप में से कितने बच्चे इस चीज का जवाब दे पाएंगे दैट एनिमल्स दे दे हैव ग्लाइकोजन एंड डू नॉट स्टोर द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और प्लांट्स के केस में ऐसा क्यों होता है स्टोरेज जो है वो स्टार्च की फॉर्म में है और जब ट्रांसलोकेशन होता है तो किसी और शुगर की फॉर्म में होता है मोहम्मद परवेज बताइए मोहम्मद परवेज सर की आईडी बता रहे हैं हाँ हा। शुभम सज्जन सज्जन जी पूछ रहे सचिन सर क्या आप बेंगलोर में नहीं मैं बेंगलोर में नहीं हूं इस समय अनूप सर जो है वो बेंगलोर में है और मैं दिल्ली में हूं अनुराधा कम ऑन क्विकली जल्दी से जवाब आना चाहिए बेटा और 130 थर्टी लाइक्स हो चुके हैं हमारे और हम चाहते हैं कि ये लाइक्स जल्द से जल्द 200 तक पहुंच जाएं क्योंकि हमने 100 एंड 100 करके लाइक्स बांट लेने हैं दुर्गा प्रजापति कम ऑन क्विकली क्वेश्चन ये है गुड कल तैयबा क्वेश्चन ये है कि वाइस सेलूलो इथ स्टार्च इज नॉट द स्टोरेज मटेरियल ऑफ एनिमल्स एनिमल्स में ग्लाइकोजन स्टोरेज के लिए क्यों यूज होता है और सर शायद ग्लाइकोजन इज आल्सो सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन बिल्कुल सही जैसे स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन दो चीजों से बना है और ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर टू बिल्कुल सही कहा सर ने और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन बनता है जैसे हम ग्लाइकोजन है हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं जब टूटता है तो ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहलाता है हमारा शरीर एक बायोमोलिक्यूल को दूसरे में बदल सकता है कुंतल प्रमाणिक अमन धर्मेंद्र आप इस सेशन के एंड तक बनिए रहिएगा इस सवाल की क्यूरियोसिटी हम बना करके रखते हैं अनुराधा uh, ने कहा स्टार्च इज नॉट डाइजेस्टेड इन एनिमल्स बिकॉज़ स्टार्च हम डाइजेस्ट करते तो हैं क्या हो गया तुम्हें <laughs> स्टार्च तो हम डाइजेस्ट करते हैं पके हुए स्टार्च को सलीवरी माइलेज डाइजेस्ट कर लेता है सर ये बच्चों के ना पे आपको ये खाना वाला क्वेश्चन हो गया सिर्फ मुझे ही नहीं आता बच्चों को भी नहीं आता सर सर एंड तक बनाए रखते हैं ना बच्चों को देखते हैं तब तक ये गूगल पे ढूंढ भी रहे होंगे साथ साथ ढूंढ अच्छा मोस्ट अबंडमोलिक्यूल अगर पूछा जाए बेटा बताइए विच इज अबंडेंट बायो मॉलिक्यूल कम ऑन क्विकली दोलिक्यूल सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर सज्जन अनुराधा सलोनी धर्मेंद्र वैष्णवी प्रोटीन आर नॉट मोस्ट अबंडोमोलिक्यूल बायो आपने इन जनरल प्रोटीन लिख दिया मोस्ट hmm. अबंडेंट क्या है आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है देखो रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडीन राइब्यूलोज बाईस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन अबंडीन कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे दिख तो रहा है आपको तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है मोस्ट प्रोटीन पूछा है और मोस्ट अबंडीन अगर पूछा जाए कि भाई ह्यूमन बॉडी में कौन सा ह्यूमन बॉडी में मोस्ट अबंडीन इज कोलेजन बट कोलेजन इज इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ह्यूमन ब्लड में मोस्ट अबंडेंट सीरम एल्बुमिन। तो बायोलॉजी में इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं बिल्कुल सही कहा जी अब आप सेलुलोज सही जवाब दे रहे हो हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते इट इज नॉट ओनली हम कोई भी हायर एनिमल कोई भी मेटाजोन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है क्योंकि सेलुलोज किसका पॉलीमर है बताइए अल्फा या बीटा कौन सा ग्लूकोज हमारे पास बीटा लिंकेज को तोड़ने वाले एंजाइम नहीं होते हैं तो इसलिए हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते डाइट में चाहिए क्वेश्चन पूछ रही है अच्छा जो हमने पूछा वही उन्होंने हमसे पूछ लिया मुझे लगता है कि आज का सबसे ज्यादा बन जाएगा ठीक है ठीक है ठीक ग्रेट है। जी अच्छा ये पेप्टीडो ग्लाइकन है आपके सामने बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल है इसमें एनएसिटाइल ग्लुकोसमीन एंड एनएसिटाइल म्यूरामिक

कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स कुड बी ग्लू द एल्डोजेज और कीटोज अच्छा ये है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोज मतलब ये कि अगर हम कीटोज की बात करें भी तो कीटोज के अंदर दे आर गोइंग टू हैव सी एच ओ एच एंड हेयर यहाँ पे सी एच टू ओ एच आ जाएगा और यहां पर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ है दिस इज द अल्फा पोजिशन अल्फा हाइड्रोक्सिकीटोज तो अल्फा हाइड्रोक्सिकीटोज इन बेसिक मीडियम दे टोटोराइज दे चेंज टू फॉर्म द एलडोज यहां पर होता यह है कि ये भी रिडक्शन कर सकते हैं अब सबसे पहली बात तो यह कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग शुगर्स का मतलब क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती है जो बेनेडिक्स फेलिंग टॉलेंस टेस्ट दे देती है <coughs> मतलब दे आर केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग फेलिंग सोल्यूशन सोल्यूशन एंड टॉलेंस सोल्यूशन दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर सबसे इंपॉर्टेंट बात जितने भी मोनोसेक्राइड हैं दे आर ऑल रिड्यूसिंग शुगर पॉलीसेक्राइड में भी जब हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड डायसेक्राइड जिनके अंदर रिंग खुल सकती है वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं क्लियर अगर रिंग नहीं खुलेगी तो दे आर नॉट रिड्यूसिंग शुगर क्योंकि रिडक्शन एल्डीहाइडिक ग्रुप का फंक्शन है और साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता ठीक है तो यहां पर आ जाता है रिड्यूसिंग शुगर आर डोज जिनके अंदर फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है नॉन रिड्यूसिंग शुगर नो फ्री एलडी कीटोनिक ग्रुप मोनोसेक्राइड सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर है पॉलीसेक्राइड्स और सुक्रोस आर नॉन रिड्यूसिंग राइट right. बिल्कुल बेटा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये चीज ध्यान रखिएगा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का कंसेप्ट जो है आपको ये क्लास इलेवेंथ की एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ग्लूकोज के में। बारे में कुछ मोटी तौर पे जो बातें हम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकते हैं ग्लूकोज इज द प्रिंसिपल फ्यूल जो है सेल्स एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज के ऑल्टरनेट नाम पता है आपको डेक्स्ट्रोस भी कहते हैं सर आपको बताएंगे कि डेक्स्ट्रोस क्यों कहते हैं राइट जी इसके अलावा ग्लूकोज जो है इसके और क्या क्या नाम है ब्लड शुगर है, है ना ग्लूकोज इज ब्लड शुगर कॉर्न शुगर कॉर्न समझ देंगे मक्का जो स्वीट कॉर्न आप खाते हैं है है ना सो इज कॉर्न शुगर शुगर ग्रेप अंगूरों में पाई जाती है। बाकी फलों में क्या होती है फ्रक्टोस होती है तो जो अंगूर होते हैं उसे हम आ, ग्रेप शुगर भी कह देते हैं ग्लूकोज को ठीक है जी ग्लूकोज टूटता है सेल में तो हम कहते हैं भैया ग्लाइकोलिस हो रहा है एनर्जी रिलीज करने के लिए स्क्रीन पे आप सामने देख पा रहे हैं कि स्टार्च जो कि पॉलिसाइड है इसके ऊपर डायस्टेस एंजाइन भी कह देते हैं एल्फा माइलेज भी कह देते हैं वो उसे तोड़ता है तो माल्टोस आइसोमालिमि

अगर कभी आपका कभी हॉस्पिटल विजिट हुआ होगा तो आपने जो वो ग्लूकोज की बॉटल लगी होती है ना उसपे कभी ग्लूकोज नहीं लिखा होता नहीं लिखा होता बिल्कुल सही कहा आपने यही सवाल मैं पूछ रहा हूं इनसे <laughs> क्लू भी दिया मैंने इनको <laughs> उस पर हमेशा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बताना बेटा एक बच्चा बीच में लिख लिया की फ्रक्टोस इज गुड फॉर डायबिटीज पेशेंट आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि जिन्हें डायबिटीज होने दो भैया फ्रक्टोस खाते जाओ फल खाते जाओ आम खाओ केला खाओ ये नहीं बिल्कुल गलत है फ्रक्टोस पीएच डिस्टर्ब कर देगी राइट ऐसा नहीं करते हैं कभी भी आपने ये गलत पढ़ा है कहीं भी है जिसने भी आपको कहा गलत कहा है डायबिटीज पेशेंट्स को ऐसा नहीं कि फल खा लो जितने मर्जी उठा के पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा और उसके अलावा जो हमारा लीवर है वो फ्रक्टोस को ग्लूकोज में बदल सकता है तो आप ये मत समझिए कि आपने फ्रक्टोज खाइए तो ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 मिलीग्राम पर 100 एम ऑफ ब्लड जो होना चाहिए अब अनूप सर ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए कि पेशेंट को जो ड्रिप लगाई जाती है डायरेक्टली हम ग्लूकोज लगाते हैं। बोतल पे ग्लूकोज लिखा नहीं होता वो क्या लिखा होता है वो मुझे बताओ उस बोतल पे क्या लिखा होता है अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो बताइए कुंतल प्रमाणी कह रहे हैं सौ से दो सौ मिलीग्राम नहीं 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 दो सौ तक नहीं जाना हो तो बहुत ज्यादा हो जाएगी हंड्रेड मिलीग्राम पर हंड्रेड एम होता है धर्मेंद्र यादव ने थोड़ा सा सही आंसर दिया स्पेलिंग गलत लिख गए हैं। आकांक्षा सिन्हा सही कह रही है सर दिलेश कह रहे हैं वो तो सिर्फ पानी होता है <laughs> <laughs> पानी नहीं होता इनको ये नहीं पता कि डेक्सट्रोज कह रहे हैं सर बच्चों ने बता हाँ, दिया डेक्सट्रोज अब आप इसके दिखे दिखे। पीछे राज बता दीजिए ये डेक्सट्रो रोटेट्री लेव्यू रोटेट्री ये क्या करना इसमें इंपॉर्टेंट बात आ जाती है हम ऑप्टिकल रोटेशन की बात करते हैं तो द मॉलिक्यूल्स और द सबस्टेंसेज विच आर एबल टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं जो लाइट ऐसे जाती उसके प्लेन को राइट right साइड पे रोटेट कर देते हैं उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है जो लेफ्ट साइड पे रोटेट करते हैं उनको लीवो रोटेटरी कहा जाता है ग्लूकोज रोटेट्स इट टू द राइट साइड तो इसलिए इसको डेक्स्ट्रोज कहा जाता है फ्रक्टोज रोटेट्स इट टू द लेफ्ट साइड और इसको इसीलिए लेवलोस भी बोला जाता है शुगर बिल्कुल शुगर को जब हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं एंड इट बिकम्स इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज तो ये एक शुगर का जो ये वैसे सुक्रोज जो है यह रोटेटरी है लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद यह रोटेटरी बन जाती है एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज इनवर्ट शुगर और इसीलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर को इनवर्जन ऑफ केन शुगर भी कहा जाता है ग्रेट ग्रेट एक बच्चा फिर से लिख रहा है फ्रक्टोसिस गुड फॉर डायबिटीज नहीं गुड भैया मैंने पहले बता दिया आपकी ये बात बिल्कुल गलत है मैं आपको एक बात और बता दूं आप ये मत सोचिए कि डायबिटीज वालों को सिर्फ मीठा खाना मना है हमारा शरीर बहुत सारी चीजों से मीठा बना सकता है आपको सामने दिख नहीं रहा स्टार्च टूटा तो भी तो मीठा बना ग्लूकोज

<laughs> सर मुझे लगता है पता ये ना बहुत सारे घरों में इनफेक्ट मेरे घर में, में, में भी है माई मदर शी इज डायबिटिक <laughs> और इंसुलिन इंजेक्शन भी लेती है मम्मी लेकिन वो कही ना गुड़ खा लेना चाहिए मुझे लगता है शायद वो कहीं ना कहीं ये होता है कि शुगर जब सर रिफाइनिंग होती है प्रोसेस तो कोई केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उस रिफाइनिंग में जिसके कारण जो शुगर बाजार में मिल रही है उसे हम जो है उतना अच्छा नहीं मानते हैं और लोगों को लगता है गुड़ बड़े पारंपरिक और ट्रेडिशनल तरीकों से बना हुआ है तो भैया वो खा सकते हैं लेकिन है तो अल्टीमेटली वो भी ग्लूकोज ही ना बात सिर्फ इतनी है कि गुड़ में एक्चुअली स्पीकिंग गुड़ में अगर आप गुड़ इस्तेमाल करते हो तो सेम मीठे के लिए आपको गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करनी has, of, लेकिन उसके साथ चीनी hmm. भी तो जा रही है ऐसा आप नहीं कर सकते आप चीनी ना खा के गुड़ खाना शुरू कर दें गुड़ से चीनी बनती है जितना आप रिफाइन करते चले जाते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं है। इंप्योरिटी वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं कंपोनेंट्स right. को आप सेपरेट करते चले जाते हैं और शुगर को सेपरेट करते चले जाते हैं रिफाइन करते चले जाते हैं उतनी वो कंसेंट्रेटेड hmm. होती चली जाती है जितना ज्यादा रिफाइंड शुगर होती है उसका उतना ही कम अमाउंट आपको यूज <coughs> करना पड़ेगा फॉर द सेम स्वीटनेस बट प्लीज बी अंडरस्टूड प्लीज बी वेरी क्लियर चीनी जैगरी गुड़ शक्कर ब्राउन शुगर ब्राउन शुगर खाने वाली हा वो दे ऑल आर स्वीट एंड दे डू इक्वल हार्म बिल्कुल बिल्कुल तो प्लीज घर में डायबिटीज पेशेंट्स हैं तो आप उन्हें जरूर समझाइएगा कि अल्टीमेटली है तो ये सारी चीजें मीठी ही सर अब ये सामने जो आपने बनाए है ना ये भयंकर लगता है मेरे बायोलॉजी वाले बच्चों को ये ओ OH एच दाएं हाथ में है और मैं देख रहा हूं तीसरी पोजीशन पे आके एच और ओ OH एच पलट जाता है ये ऐसा क्यों है एक्चुअली दीज आर वॉट वी टॉक अबाउट द स्टीरियो केमिस्ट्री दीज आर वॉट वी टॉक अबाउट कॉन्फिगुरेशन और यही कॉन्फिगुरेशन है जो किसी को भी कुछ भी बना देते हैं अच्छा एक बड़ी मजेदार सी बात है कि ये जो पोजीशन है ना ये वाली पोजीशन डिफाइन करती है कि कार्बोहाइड्रेट किस फैमिली को बिलोंग करता है डी फैमिली को या एल फैमिली को अगर यहां पे ये ओएच राइट साइड पे है तो ये है डी फैमिली अगर ये लेफ्ट साइड पे है तो ये है एल फैमिली ये हमारे पास जो सामने बना हुआ है दिस इज डी ग्लूकोज डी डी ग्लूकोज अभी जो डी ग्लूकोज है इसकी अगर मैं मिरर इमेज बना दूं तो वो एल ग्लूकोज है ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है वो स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं और कह देते हैं कि इनमें से कौन सा एल ग्लूकोज है और ये हमारे पास कॉन्फिग्रेशन मैं आपको मैं आपको बताता हूं मैं ग्लूकोज कैसे बनाता हूं मैंने कैसे रट्टा मारा है ग्लूकोज का मैं सीधा सीधा ये लाइन बनाता हूं लिखता हूं ऊपर लिखता सीएच टू ओ एच फिर यहां पे बनाता हूं एक दो तीन चार लाइनें फिर मेरे पास एक मंत्र है राइट राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट राइट ओ राइट ओ एच लेफ्ट ओ एच राइट ओ एच और यहां पर लगा दिया एच ये बन गया ग्लूकोज तो राइट राइट लेफ्ट राइट इज माई मंत्रा फॉर राइट राइटिंग ग्लूकोज वंडरफुल देखिए कितनी आसानी से सर ने आपको समझा दिया और जो राइट राइट लेफ्ट राइट करना है ये नीचे से से ऊपर ऊपर जाते हुए हुए करना है ये नीचे नीचे आते हुए <laughs> मत कर लीजिएगा इस चीज को ध्यान रखिएगा सर ने पहले नीचे वाले कार्बन के लिए एच ओ एच जो है इस तरह से लिया। लिखा आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द सेशन मजा आ रहा है बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ऐसा मिलन चलिए मुझे बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में आप में से कितने बच्चे इस तरह के और सेशन चाहेंगे जल्दी से चैट बॉक्स में स yes, लिख करके भेज दीजिएगा कि आपको ऐसे और सेशंस चाहिए जिसमें मैं और अनूप सर केमिस्ट्री के ऐसे जो है टॉपिक्स आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि बारहवीं क्लास का भी हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया और ग्यारहवीं क्लास का भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया जी वंडरफुल सर बच्चे बहुत एक्साइटेड है लाइक like का बटन जरूर दबाते रहो यार सौ लाइक्स मैंने रख लिए अनूप सर को सिक्सटी एट लाइक्स दी मैंने मैं यार अब अनूप सर के लिए <laughs> देखो ये तो पार्शियलिटी हो जाएगी मान लिया केमिस्ट्री केमिस्ट्री में थोड़ा कम है बायोलॉजी में ज्यादा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लाइक्स भी आप ज्यादा ले लोगे चलिए नहीं सर मैंने तो सेशन के शुरू में ही बच्चों को चैलेंज कर दिया था सर देखिए आपके चाहने वाले बच्चों ने बढ़ा दिए फटाफट लाइक्स <laughs> सर ये एनोमेरिक कार्बन क्या है मेरे बायोलॉजी के बच्चों को डराते हो आप इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स दिखा सुनो एनोमेरिक कार्बन की अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें ये देखो ये हमारे पास इसे कहा जाता है ओपन चेन स्ट्रक्चर ये जो बना हुआ है इस ओपन चेंज स्ट्रक्चर में ये ऊपर वाला जो कार्बन है ना ये प्लेनर कार्बन है ये नॉन कायरल कार्बन है इसके साथ तीन ग्रुप हैं एक डबल वो एक हाइड्रोजन और एक ये नीचे वाला ग्रुप तो ये प्लेनर ग्रुप है ये कायरल नहीं है लेकिन अगर मैं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दूं तो ये वाला कार्बन कायरल कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और वो ये वाला कार्बन है तो जो कार्बन ओपन चेन स्ट्रक्चर में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है कायरल नहीं है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में जब कायरल बन जाता है उसे कार्बन कहा जाता है अब ये जो कार्बन है ना, है ना यही जहां से चेन वापस खुलती भी है अगर किसी तरीके से आप इस एनोमरिक कार्बन को ब्लॉक कर दो यानी कि ये जो OH वाला OH का वा है वो हटा दो तो ये रिंग खुलेगी नहीं और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कन्वर्ट हो जाता है तो यही एनोमेरिक कार्बन है और यही वन कार्बन है जब हम लिंकेजेस की बात करते हैं ना तो जो लिंकेजेस में वन पोजीशन बोली जाती है वो एनोमेरिक कार्बन की होती है और इस कार्बन के ऊपर भी जैसे मैंने ओएच OH नीचे लिखा है ये ओएच OH ऊपर भी हो सकता है जैसे ये ओएच OH ऊपर आ गया अब ये ओएच OH ऊपर और नीचे आने की वजह से एनोमेरिक कार्बन की पोजीशन में जो ये डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से बनते हैं एनोमर्स और ये एनोमर है अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज का डिफरेंस तब पता चलता है जब हम स्टार्च और सेलुलोज की बात करते हैं स्टार्च पूरा, -पूरा alpha, alpha का पूरा अल्फा अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है और सेलुलोज बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है सिर्फ इतने फर्क से एक स्टोरेज मटेरियल बन जाता है और एक स्ट्रक्चरल मटेरियल बन जाता है बिल्कुल बेटा मैंने बताया था कि जितने भी मेटाजो हैं, राइट हायर एनिमल्स दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज बिकॉज हम उस बीटा लिंकेज को तोड़ने वाले एंजाइम्स नहीं है हमारे पास अल्टीमेटली खेल तो एंजाइम्स का ही है जो शरीर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है एंजाइम्स ही तो कर रहे हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस कोलाई जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करा सकते हैं बट वो नेग्लीजिबल अमाउंट में होता है जो हरबी बुरस जानवर है गाय भैंस भेड़ बकरी आपको पता है कंपाउंड स्टमक होता है इनमें देर स्टमक हैज डिफरेंट

कब कहते हैं क्लियर है जी ये राज यहां पर जब हम एनोमरिक कार्बन के ऊपर और नीचे ओ एच की बात कर रहे हैं तो ये अल्फा और बीटा बन जाता है <coughs> तो आर एनोमर्स एक बात का ध्यान रखना जब हम नॉर्मल ग्लूकोज की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन ग्लूकोज इज मोस्टली अल्फा ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर बीटा डोमिनेट कर जाता है सॉल्यूशन में अल्फा ग्लूकोज बीटा में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस कन्वर्जन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज थ्रू द ओपन चेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोई बता सकता है द इंटर कन्वर्जन और कन्वर्जन ऑफ वन एनोमर टू द अदर थ्रू द ओपन चेन स्ट्रक्चर इसको क्या टर्म बोला जाता है कोई बता सकता है बताइए बेटा जल्दी से और अनूप सर से रिक्वेस्ट करूं ऑप्शन दे दें इसे बोला सर जाता है चलो करूं इन्वर्जन हाइड्रोलिसिस म्यूटा रोटेशन और ग्लाइकोसि ग्लाइकोसिट क्या कहता ग्लाइकोजेनेसिस जल्दी से बताओ सर जवाब आने शुरू हुए हैं बच्चे कह रहे हैं इनशियोमैरिजम कुछ कह रहे हैं है। तो बेटा आइसोमेरिज्म का एक हिस्सा है म्यूटा रोटेशन कहा है अवजीता ने सयन म्यूटा रोटेशन आंसर म्यूटा रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन वंडरफुल वंडरफुल जी पूरे सेशन का पीडीएफ भी आपको मिलेगा और अनूप सर एक मुश्किल सा सवाल लेकर के आ गए मुश्किलेक्ट बच्चे जल्दबाजी में कहीं गलत ना पड़ जाए इसे और आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे हम ऐसे और भी सेशन लेके आएंगे आज हम कार्बोहाइड्रेट कवर करेंगे आपके साथ अगले सेशन में प्रोटीन फिर न्यूक्लिक एसिड लिपेड

सर यहां पर तो लगता है सारे ही गलत हैं। इट इज अ मॉलिकुलर फॉर्मुलाट ओ सिक्स नहीं है भैया सी सिक्स एच ट्विक्स दूसरी बात इट कैन बी ऑप्टेन बाय एसिड हाइड्रोलिस ऑफ केन शुगर ये इट इज कैन बी ऑप्टेन बाय एसिड हाइड्रोलिस ऑफ केन शुगर बट इट इट बी ए मिक्सर इसके साथ फ्रक्टोज भी होगा इट्स अ अक्राइड एप्सोलूटली नॉट इट्स अ मोनोसेक्राइड मोनोसेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एब्सोल्यूटली नॉट इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट समझे तो सर मुझे लगता है कि इसमें ऑप्शंस आगे शायद ये बनने ए ए बी बी सी आर आर करेक्ट डी इनकरेक्ट चलिए खैर कोई बात नहीं आपने एक्सप्लेन कर दिया है उस सवाल को जल्दी से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द डिफरेंस इन कार्बन एटम्स विद रिस्पेक्ट टू ये तो थोड़ी देर पहले ही अनूप सर ने समझाया बता, बता, बता दीजिए बच्चों को जल्दी से बेटा 190 लाइक पे पहुंचे हम लाइक like बचे हुए मेरे सौ लाइक्स मेरे हो गए <laughs> मेरे हिस्से के दस लाइक बचे हुए अभी जल्दी करो जल्दी से जवाब दो डी आंसर कह रहे हैं सर बच्चे जल्दी से एक्सप्लेन करिए दे डिफर इन राइट दे आर कॉन्फिगुरेशन एट द एनोमरिक कार्बन दैट इज वन नंबर कार्बन गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज अच्छा हाँ एक और बात आ, यहां पर हमारे पास ना दो ईथर हैं साइक्लिक ईथर्स ये कहलाता है पायरान और ये कहलाता है फ्यूरान ये है साइक्लिक ईथर्स तो अगर हमारे पास सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक ईथर रिंग होती है तो उसे कहा जाता है पायरानोस रिंग और अगर फाइव मेंबर्ड साइक्लिक ईथर लिंक होती है तो उसे बोला जाता है फ्यूरानोस रिंग यहां पर हमारे पास सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है तो यह एक पायरानोस रिंग है ठीक है सो इट इज अ पायरानोस फॉर्म फिरानोस नहीं है फाइव मेंबर नहीं है अब यहां पर अगर देखोगे तो ये ओ OH एच ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है तो ये अभी अभी हमने देखा था दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा ग्लूकोज सो दिस इज अ बीटा एनोमर एंड इट इज अ डी शुगर क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप से फार्डेस्ट कायरल कार्बन पे ओ एच राइट साइड पर है सो दैट इज वॉट वी हैव तो यहां पर दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बाकी तीन स्टेटमेंट करेक्ट है ग्रेट बेटा आप वो, जो है फर्दर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं sir, sir. शुगर के बारे में सौ सौ, सौ लाइक्स आपको देने के बाद बाकी लाइक्स तो मेरे है ना नहीं नहीं, नहीं सर अब दोबारा से कंपटीशन शुरू अब आप देखो सौ सौ हम दोनों के हो गए हैं अब इससे ऊपर जितने लाइक जा रहे हो फिर से आधे आधे बांटे जाएंगे

इज अबाउट द ऑप्टिकल रोटेशन इंपॉर्टेंट बात यह कि कि किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखकर हम ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि वो किस साइड ये लाइट को रोटेट करेगा इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड हाँ फ्रक्टोज के बारे में हम ये कह सकते हैं कि फ्रक्टोज इज अ कीटोज ये इसमें कीटोनिक ग्रुप है और यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऊपर वाले दो कार्बन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी का स्ट्रक्चर इसका एग्जैक्टली exactly ग्लूकोज जैसा ही है और एक और बात कभी कभी बचपन में मैं सुनता था लोगों से कि ये वाला जो फ्रूट है ये चीनी से भी मीठा है तो मुझे लगता था ये कैसे हो सकता है चीनी तो है चीनी से मीठा कैसे हो सकता है बाद में रियलाइज हुआ कि फ्रक्टोज इज एक्चुअली स्वीटर देन शुगर तो इसलिए फ्रूट्स चीनी से मीठे हो सकते हैं बिल्कुल सर आम कितना मीठा होता है देखो ना पका हुआ आम खाओ तो कितना ज्यादा मीठा लगता है बच्चे की बात कर रहे हैं अभी आपको आगे बताएंगे हम बिल्कुल जी अनुराधा राज लाइक्स बढ़ाते रहिएगा आज तो हमारा लालच बढ़ता जा रहा है लाइक्स को लेकर के यहां पे सर कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का है इसे एक्सप्लेन कर दीजिए आप बच्चों भाई फ्रक्टोज मोस्ट ऑफन जो है फाइव मेंबर रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जैसे कि हम सुक्रोज की भी बात करते हैं तो वहां पे फ्रक्टोज इज फ्यूरानो स्ट्रक्चर तो हम नॉर्मली बोलते हैं ग्लूको पायरनोस फ्रक्टोफ्यूरानोस तो ये शुगर का आईयूपीएस नॉर्मन में आ जाता है ठीक है। राइट right, हमारे पास पांच मिनट बचे हैं बेटा और हमें बड़ा मजा आ रहा है आज के सेशन में अनूप सर मैं तो चाहूंगा हफ्ते में एक बार प्लीज आप अपना कीमती समय निकालिए और आप जो है आ, मेरे साथ इस तरह के सेशन जरूर लीजिए आई थिंक स्टूडेंट्स आर आल्सो एक्साइटेड सर अगर हम ले सके तो इससे अच्छी बात और क्या होगी इसी बहाने हो क्या रहा है एक इलेवंथ का टॉपिक और एक ट्वेल्थ का टॉपिक एक सेशन में कंप्लीट हो रहा है भिल्कुल, समय भिल्कुल, भी, भी बच, बच रहा है बच्चों को डाउट्स पूछने का मौका भी सही मिल रहा है और उनके सारे कंफ्यूजन भी दूर हो रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि केमिस्ट्री के अंदर दे वांट सर्टेन प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व जो कि हो नहीं पाती क्योंकि दे कंसर्न मोर विद बायोलॉजी बिल्कुल बिल्कुल सर डायसेकराइड का अब हम जिक्र कर रहे हैं यहां और डायसेकराइड में जैसा कि हमने आपको एग्जांपल बताया है माल्टोस है लेक्टोस है लेटोस को हम केन शुगर कमर्शियल शुगर भी कहते हैं टेबल शुगर भी कह देते हैं सर यहां पे सर ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बच्चों को समझा दीजिए किस तरह से बना है दो मोनोसेक्राइड यूनिट के एक सीधी सी बात यह है कि हमारे पास ना दो एल्कोहल है ये हमारे पास एक एल्कोहल है ये हमारे पास दूसरा एल्कोहल है अब इन अल्कोहल्स में से हमने यहां से H2O निकाल दिया और यहां पर बन गई एक ईथर लिंकेज ये ईथर लिंकेज जब दो सैक्राइड्स के बीच में बनती हैं तो दीज आर कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस अब जैसे कि हम पेप्टाइड लिंक की भी बात करते हैं तो पेप्टाइड लिंक इज एक्चुअली एन अमाइड लिंकेज ठीक है लेकिन दो पेप्टाइड के बीच में बनने की वजह से दे आर कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड्स तो ध्यान रखना केमिस्ट्री ये है बायोलॉजी ये है बायोलॉजी इट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज केमिस्ट्री इट इज एन ईथर लिंकेज आर ओ आर राइट right. एक बच्चा सवाल पूछ रहा है कि सूखरों से दांत कैसे सड़ जाते हैं तो कुछ माइक्रोस्कोपिक फूड रात को सोते समय डायस्टेस है, जितने है, ये डाउन हो जाते हैं और सलाइवा में एक लाइसोजाइम भी होता है जो कि बैक्टीरियोसाइडल है थायोसाइनेटाइन भी होते हैं मतलब जब वो सारे बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल कॉम्पोनेंस डाउन हो जाएंगे सोते टाइम रात को तो जो माउथ में बकल कैविटी में नेचुरली बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनकी गतिविधि एक्टिविटी बढ़ जाती है वो शुगर्स के ऊपर एक्ट करके एसिड्स बनाते हैं जो कि हमारे दांतों के इनेमल को धीरे 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 डैमेज करते रहते हैं इसलिए कहते हैं ना सोते टाइम आप मीठा मत खाइए चॉकलेट्स मत खाइए अगर आपने खाया भी है तो अच्छे से ब्रश जरूर कीजिए माउथ वॉश जरूर कीजिए वरना दांतों के सड़ने की संभावना जो है वो कई गुना बढ़ जाती है और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब हम टीथ एनामल की बात करते हैं दैट इज इज एक्चुअली इट

अक्षय ठाकुर आप सही कह रहे हैं डेंटल केरीज दांतों की सड़न जो है वो दुनिया भर में फैली हुई सबसे ज्यादा अगर बीमारी पूछी जाए तो वो यही है कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो अनुपस आपको एक्सप्लेन करेंगे सुक्रोस इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर कारण यह है कि यहां पर दोनों के एनोमरिक कार्बन अगर आप यहां पे देखोगे ना इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की तो यहां पर यह भी एक एनोमरिक कार्बन है और ये भी एनोमरिक कार्बन देख रहे हो ये ये वाले ये दोनों ही एनोमरिक कार्बन है दोनों एनोमरिक कार्बन के हाइड्रोजन क्योंकि ओपन हो, तो तो हो सकती है ना ही सुक्रोस ओपन और यही रीजन है, सुक्रोस लेकिन अगर सुक्रोस को ले कर दिया जाए तो सुक्रोस का हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो ग्लूकोज फ्रक्टोज का मिक्सचर बनेगा जिसे हम इनवर्ट शुगर कहते हैं आई बिलीव सर हनी ऑल्सो इज एन इनवर्ट शुगर राइट तो हनी इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है ना ठीक है तो यहां पर अगर हनी की बात करेंगे दैट विल बी अ रिड्यूसिंग शुगर वंडरफुल जी वंडरफुल समय का अभाव है और बातें हमारे पास बहुत सारी हैं। ये चीज अनुपर आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की मी टेल यू क्लास ट्वेल्थ के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बायोमोलिक्यूल्स और ग्यारहवीं क्लास का भी माल्ट शुगर की अगर हम बात करें यानी माल्टोस जर्मिनेटिंग सीड्स में भी पाई जाती है माल्टोस एंड इट इज ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग पार्शियल हाइड्रोलिस ऑफ स्टार्च स्टार्च जब है, जब उसे तोड़ता है माल्टोसोल्टोस एंड बनते हैं और कुछ सर आप यहां पे माल्टोस के, बारे माल्टोस पर... के अंदर एक ग्लूकोज के रिंग, रिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो अल्फा डी ग्लूकोज की रिंग है जो खुल नहीं सकती लेकिन दूसरे वाली साइड की रिंग खुल जाती है तो इसलिए माल्टोज बिकम्स अ रिड्यूसिंग शुगर अब एक बात में थोड़ी सी डाइसी है यहाँ पर ये वाली रिंग खुलकर वापस जुड़ सकती है

Lactose Milk Sugar बिल्कुल लैक्टोज जो है दूध में पाई जाती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनी होती है मैंने आपको बताया कि ह्यूमन मिल्क इज आल्सो वेरी रिच इन लैक्टोज शुगर हमारी इंटेस्टाइन में लेक्टेस एंजाइम होता है जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है गैलेक्टोज को नर्व शुगर या ब्रेन शुगर या सेब्रोज भी कहते हैं बिकॉज गैलेक्टोज जो है न्यूरोन्स के चारों तरफ माइलिन माइलिनशीत बनाने में मदद करती है लैक्टोज भी रिड्यूसिंग है जैसा कि सर ने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले एंड अनुप सर हम सब बच्चों को बता देना चाहेंगे कि इस तरह के सेशन भी हम उनके लिए भविष्य में लेकर के आएंगे आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस करे हैं, ऐसे ही हम आपके साथ प्रोटीन लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स भी डिस्कस करेंगे में, में, क्यों है रिजर्व फूड मेटीरियल स्टोर्ड फूड यू एवरी ग्रोइंग टिश्यू ऑफ द ग्लाइकोजन बट सर्टन टिश्यूज कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन मेनली आपको देना है और पॉलीसे बचे हैं सर आ, क्या हम पॉलीसेक्राइड आज करा पाएंगे बच्चों को या अगले सेशन के लिए रख ले बिकॉज चार बजे चार पांच मेरा सेशन भी भी है। इनके साथ क्रैश कोर्स का राइट पांच बजे आई एम सॉरी सर पांच बजे आप सबने मुझे मिलना है और आज हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एंडोक्रेन सिस्टम की कुछ और इंपॉर्टेंट ग्लैंड करेंगे एड्रीनल टेस्टीज ओवरीज प्लेसेंटा कॉर्पस ऑफ़ हार्मोन एक्शन तो आप सबने पांच बजे भी हमें जरूर मिलना है ठीक है जी अनुपर आई थिंक पॉलिसेक का टॉपिक हम अगले सेशन में करा दें बच्चों को जी बिल्कुल बिल्कुल और किसी great, ने हमसे पूछा था कि सर ये रोहित भी पूछे सर आई हर्ड यू हैव वर्क टुगेदर इन पास्ट यस वी हैव वर्क टुगेदर इन पास्ट इन मल्टीपल प्लेसेस बिल्कुल बिल्कुल आप गूगल पे ढूंढ लीजिएगा हम आपको मिल जाएंगे और आपको सवाल का मैं जवाब बता देना चाहूंगा ग्लाइकोजन आपको क्लू भी दिया था बीच में कि अमाईलो, अमाईलो, वाली बात सर ने कही थी अमाइलोपैक्टिन में ब्रांच होता है स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर जो है ग्लाइकोजन का वेरी मच सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन है इंसान या जानवर उस चीज को रिजर्व फॉर्म में स्टोर करना चाहेंगे जो जब टूटे तो मल्टीपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक साथ रिलीज हो अगर कोई लीनियर पॉलीमर होगा तो जब वो टूटेगा तो एक 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 ग्लूकोज रिलीज होगा और अगर किसी में ब्रांचिंग है एक्सटेंसिव उसके टूटने से ढेर सारा ग्लूकोज हमें एक समय पे मिल पाएगा सो so, ग्लाइकोजन जो है जब उसका ग्लाइकोजीनोलिसिस होता है मतलब जब वो टूटता है मल्टीपल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज जो है हमें मिल पाते हैं क्लियर है जी कमलेश अंशु रोहित आर एफ एक बार लाइक जरूर हो जाने चाहिए ढाई सौ लाइक कर दे चलो मैं और अनूप सर बांट लेंगे आपस में सवा सो सवा सो लाइक्स हेलो अक्षयो श्रेया सुप्रजा <laughs> ग्रेट। शगन की होते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल आज बच्चों ने सघन कर दिया है और सर मुझे तो बड़ा मजा आया अनूप सर आपके साथ कई चीजें मुझे भी सीखने को मिली बिकॉज खुद तो केमिस्ट्री पढ़े हुए बड़े साल हो गए हैं सर <laughs> तो आज बड़ा मजा आया ऐसे बहुत सेशंस हम इनके साथ करते रहेंगे वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे उन उनपे क्लिक कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे अनूप सर आपका आज कौन सा सेशन है कितने बजे एक बार इन बच्चों को बता दीजिए बजे सेशन है और आज आठ बजे बहुत ही खतरनाक और बड़े वाला चैप्टर है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने वाले हैं हम दो घंटे का सेशन पूरा का पूरा, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज रात को आठ बजे और हां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन का एनसीआरटी के क्वेश्चन का सेशन भी बन के ऑलरेडी अपलोड हो चुका है तो वो दस बजे प्रीमियर हो जाएगा वहां पर आप एनसीआरटी के सारे के सारे क्वेश्चन देख पाएंगे That's wonderful. wonderful. अच्छा सर ये प्रशांत कह रहे हैं है। सोडियम लैक्टेट लिखा होता है ग्लूकोज की जगह बॉटल पे सोडियम लैक्टेट लिखा होता है सर <laughs> <laughs> पता नहीं सर इन्होंने कहा देखा है ये हम डेक्सट्रोस की बात कर रहे थे और आपने आंसर जवाब भी दिया दे दिया था इनको चलिए कोई बात नहीं अगली क्लास में हम आपको दिखा देंगे पूरी की पूरी ग्लूकोज की बॉटल और उसकी पूरी कॉम्पोजिशन और ग्लूकोज का ड्रिप ही क्यों देते हैं ये भी बात आपको बता देंगे फ्रक्टोज क्यों नहीं दे देते हैं। तो बेटा अब आपसे विदा लेनी होगी हमें और इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा नीट आकाश डिजिटल टेलीग्राम ग्रुप पे बायो की रणनीति टेलीग्राम ग्रुप पे अनूप सर का भी टेलीग्राम ग्रुप है और इसके अलावा आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर सचिन कपूर टॉक ठीक है जी चल ओके बाय बाय नमस्कार बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल दो सौ पचास बजे अरे वाह ग्रेट सर बच्चों ने हम दोनों को खुश कर दिया आज बढ़िया बाय